नमस्कार दोस्तों, BK24 स्टडी जोन के डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ में आपका स्वागत है। हमारी इस डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ में हम बात करेंगे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों के बारे में। इन प्रश्नों से संबंधित सभी अति महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी हम प्रकाश डालेंगे। आजकल जिस तरह के करंट अफेयर्स प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, हमारी ये सीरीज़ वैसे ही प्रश्नों पर आधारित होगी। यह सीरीज़ आपके सभी गवर्नमेंट जॉब परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स को। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में DRDO ने किस लड़ाकू विमान से एक गाइडेड बम छोड़ने का सफल परीक्षण किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि Sukhoi-30। अभी रिसेंटली DRDO की तरफ से Sukhoi-30 MKI लड़ाकू विमान से एक गाइडेड बम छोड़ने का सफल परीक्षण किया गया है। तो आपको यहाँ पर से ये लड़ाकू विमान का नाम पता होना चाहिए। हो सकता है कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछ लिया जाए कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था ने Sukhoi-30 MKI से एक गाइडेड बम छोड़ने का सफल परीक्षण किया है। तो आपको संस्था का नाम ही पता होना चाहिए, DRDO। ये जो बम था ये 500 किलोग्राम श्रेणी का था और इसका जो परीक्षण है वो राजस्थान के पोखरण परीक्षण रेंज में किया गया। याद रखिएगा कि हाल ही में Sukhoi-30 MKI से ही ब्रह्मोस क्रूज़ मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। तो ब्रह्मोस क्रूज़ मिसाइल का जब सफल परीक्षण किया गया था तो उस वक्त मैंने आपको ये बताया था, आई थिंक 2 दिन पुराना क्वेश्चन हमारा ये था उस वक्त। ठीक है, DRDO की अगर हम बात करें तो DRDO का मुख्यालय है नई दिल्ली में और DRDO के अध्यक्ष हैं वर्तमान में G. सतीश रेड्डी। तो यहाँ पर से DRDO के अध्यक्ष पूछे जाते हैं तो इनका नाम आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा कि हाल ही में भारत ने किस देश के आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन को प्रतिबंधित कर दिया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि बांग्लादेश। बांग्लादेश का एक आतंकी संगठन है जिसका नाम है जमात उल मुजाहिदीन। ठीक है, बांग्लादेश इसके आगे लगा हुआ है। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से बनाया है तो इसलिए ऑप्शन में मैंने बांग्लादेश दिया है। तो याद रखिएगा कि बांग्लादेश का आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन को भारत सरकार की तरफ से प्रतिबंधित कर दिया गया है। मुजाहिदीन का नाम भारत में जो है कई जो आतंकी हमले हुए हैं और उनमें जो है लगातार इसका नाम आता रहा है जमात उल मुजाहिदीन का, और इसीलिए जो है शायद इसको प्रतिबंधित भी कर दिया गया है। ठीक है, इस संगठन का जो नाम है इसको जमात उल मुजाहिदीन इंडिया या फिर हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। इस संगठन ने जुलाई 2016 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक कैफे में आतंकी हमला किया था और उस वक्त जब इसने आतंकी हमला किया था तो 17 विदेशी सहित कुल 22 लोग जो है मारे गए थे। ठीक है, तो भारत में जो है काफ़ी जो हमले हुए हैं इधर आपका अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की या फिर हम बात करें बिहार की, तो यहाँ पर कुछ छोटे मोटे बम धमाके हुए, उसमें भी जो है जमात उल मुजाहिदीन के आतंकियों का नाम आया है। ठीक है, तो अब जो है इंडिया ने इस संगठन को यहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा कि हाल ही में निम्न में से कहाँ वीर नारियों के लिए सहारा नौसेना छात्रावास का उद्घाटन किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि नई दिल्ली में। अभी रिसेंटली नई दिल्ली में वीर नारियों के लिए सहारा नौसेना छात्रावास का उद्घाटन किया गया है। ये जो छात्रावास है ये नई दिल्ली के बसंत कुंज में स्थित है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इसका उद्घाटन दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने किया और ये जो यहाँ पर जो सहारा नौसेना छात्रावास की हम बात कर रहे हैं तो इसकी स्थापना जो भी हमारे जो नौसैनिक हैं जो शहीद हो गए हैं उनके रहने का यहाँ पर उचित प्रबंध भी किया गया है। भारतीय नौसेना की तरफ से जो ये वीर नारियों के लिए जो छात्रावास बनाया गया है, इस परियोजना का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ से किया गया। तो इन दोनों ने मिलकर जो है यहाँ पर इसकी स्थापना की है, इस परियोजना की। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर ये स्थित है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्न में से किस लोकसभा को भंग करने की मंजूरी प्रदान की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि 16वीं लोकसभा को भंग करने की मंजूरी दे दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। ये आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन से मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी जो लोकसभा भंग हुई है वो 16वीं लोकसभा है। ठीक है, मई 2014 में जिसका गठन हुआ था वो 16वीं लोकसभा थी, अब जिसका गठन होगा वो 17वीं लोकसभा होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए अभी जो नई लोकसभा गठित होगी वो 17वीं लोकसभा होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा कि हाल ही में इस्तीफा देने की घोषणा करने वाली ब्रिटेन की प्रधानमंत्री का
क्या नाम है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि थेरेसा मे। थेरेसा मे ने अभी हाल ही में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। 7 जून को ये कंजर्वेटिव पार्टी की नेता पद से इस्तीफा देंगी और तब तक ये प्रधानमंत्री रहेंगी जब तक इनका उत्तराधिकारी नहीं चुना जाता। जैसे ही इनका उत्तराधिकारी चुना जाएगा ये प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, थेरेसा मे मार्गरेट थेचर के बाद ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनने वाली दूसरी महिला हैं, ठीक है। तो अभी तक सिर्फ 2 महिलाएं हुई हैं प्रधानमंत्री ब्रिटेन में, एक तो मार्गरेट थेचर थी पहली और दूसरी जो थी वो थी थेरेसा मे, जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, कि हाल ही में एशिया विकास बैंक ने, सॉरी एशियाई कर लीजिएगा इसको, एशियाई विकास बैंक ने भारत में रेलवे ट्रैक के विद्युतीकरण के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऋण देने की घोषणा की है? तो उसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि 750 मिलियन डॉलर का। अभी रिसेंटली एशियाई विकास बैंक ने रेलवे ट्रैक के विद्युतीकरण के लिए भारत को 750 मिलियन डॉलर का ऋण देने की घोषणा की है। एशिया विकास बैंक की तरफ से ये पहला गैर सरकारी कर्ज है जो कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन को दिया जा रहा है। याद रखिएगा कि इस ऋण का इस्तेमाल भारत में 3378 किलोमीटर की जो मौजूदा रेल लाइन है उसका विद्युतीकरण किया जाएगा, जहां पर भी विद्युतीकरण नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां पर, जो है उन लाइंस को हम लोग जो रेलवे लाइन है उनको जो है यहां पर इलेक्ट्रिसिटी देंगे, ठीक है। तो 750 मिलियन डॉलर 3378 किलोमीटर की मौजूदा रेल लाइनों का विद्युतीकरण करने पर खर्च किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए यहां पर से। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, कि हाल ही में समाप्त हुए इंडिया ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि 57 मेडल। अभी रिसेंटली इंडिया ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भारत ने टोटल 57 मेडल जीते हैं, जिसमें से 12 मेडल गोल्ड हैं, 18 सिल्वर हैं और 27 जो हैं वो हैं ब्रॉन्ज मेडल। टोटल करेंगे तो आ जाएगा 57। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये जो इंडिया ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट हुई थी इसमें मैरी कॉम और अमित पंघाल ने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इंडिया ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट की अगर हम बात करें तो 2019 में इसका जो आयोजन था वो गुवाहाटी में किया गया था, ठीक है। सो ये याद रखिएगा कितने मेडल जीते थे, ये ज़रूर पता होने चाहिए आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में है हमारा, कि हाल ही में चैंसी चितेती को सर्वोच्च संयुक्त राष्ट्र शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वे किस देश के हैं, आपको ये बताना है। तो उसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि मलावी। मलावी के रहने वाले हैं चैंसी चितेती और इन्हीं को सर्वोच्च संयुक्त राष्ट्र शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अभी रिसेंटली, तो आपको इनका नाम ध्यान होना चाहिए और कौन से देश के रहने वाले हैं ये भी याद रखिएगा। चैंसी चितेती की अगर हम बात करें तो कांगो में एक सैन्य ऑपरेशन के दौरान ये शहीद हो गए थे, तो इनको मरणोपरांत जो है ये पुरस्कार दिया गया है। जिस पुरस्कार की मैं बात कर रहा हूँ इसको साधारणतः जो आम भाषा में बोला जाता है वो बोला जाता है कैप्टन बे डाइगेन मेडल फॉर एक्सेप्शनल करेज, यानी कि अदम्य साहस के लिए जो है ये पुरस्कार दिया जाता है और 2014 में इसकी स्थापना की गई थी। इस बार ये चैंसी चितेती को दिया गया है। कैप्टन डियागने की अगर हम बात करें जिनके सम्मान में ये पुरस्कार दिया जाता है, तो ये एक संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक थे जिन्होंने 1994 में रवांडा में सैकड़ों लोगों की जान बचाते समय ये शहीद हो गए थे, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जो है उसके जो भी जहां पर ऐसा माहौल होता है कि मतलब अशांति फैली होती है वहां पर जो है ये बहुत से देशों से अलग अलग देशों से जो है सेना बुलाता है और उस देश में स्थापित करता है जहां पर अशांति फैली हुई हो, ठीक है। तो वो सेना क्या करती है, वहां पर शांति कायम करने की कोशिश करती है। तो भारत के भी बहुत से सैनिक हैं जो अलग अलग, जैसे कांगो हो गया, इसी तरीके से बहुत से देश हैं जहां पर अशांति का माहौल है वहां पर हमारे सैनिक हैं, ठीक है। और वो जो है उनको बोला जाता है शांति रक्षक। तो ऐसे ही जो है ऐसे लोग को संयुक्त राष्ट्र की तरफ से सम्मानित किया जाता है। तो ये जो चैंसी चितेती हैं इनको सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर हो सके तो आपको ये पुरस्कार का नाम भी पता होना चाहिए। चलिए इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक नोटा
वोट डाले गए। नोटा का एक ऑप्शन होता है जिसको किसी को वोट नहीं देना होता है वो इसको सिलेक्ट कर सकता है, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार। बिहार में सबसे ज़्यादा जो है नोटा का प्रयोग किया गया था। और याद रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा बहुत मैं आंकड़े दे रहा हूँ, अगर आप याद रख सकते हैं तो ज़रूर याद रखिएगा। बिहार में जो कुल नोटा के जो वोट पड़े वो 8,17,000 पड़े, इतने लोगों ने मतलब किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है। नोटा का ऑप्शन था, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। गोपालगंज, बिहार का गोपालगंज, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है नोटा के वोट डाले गए। 51,660 लोगों ने जो है नोटा के रूप में अपना मतदान किया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता होना चाहिए। याद रखिएगा कि सर्वाधिक जो नोटा वोट पड़े वो बिहार में डाले गए, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस भारतीय सैनिक को मरणोपरांत डैग हैमर सोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि जितेंद्र कुमार को अभी रिसेंटली डैग हैमर सोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी रिसेंटली संयुक्त राष्ट्र की तरफ से संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में अदम्य साहस का परिचय देने वाले 119 सैनिकों को सम्मानित किया गया है, और इस 119 में से जितेंद्र कुमार का नाम भी शामिल है। भारत से एकमात्र सैनिक हैं ये जिनको जो है संयुक्त राष्ट्र का ये पुरस्कार दिया गया है इस साल, ठीक है, जितेंद्र कुमार को। तो ये आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए। अब बात करेंगे कल के 3 प्रश्नों की। इन प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट करके बताए थे। आज के करंट अफेयर्स में 10 ही क्वेश्चन रखते हैं हम, आज संडे भी है, ठीक है। तो कल के प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में फेसबुक ने व्हाट्सएप पे को भारत में लॉन्च करने से पूर्व किस शहर में इसके संचालन हेतु सेंटर बनाने का फैसला किया है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला था, यानी कि लंदन। मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर सही दिया था। देन क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों में किस रंग का नंबर प्लेट लगाने का आदेश दिया है। तो ये तो थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला भी था, इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि हरा रंग। हरा रंग जो है इको फ्रेंडली होता है, और इसीलिए जो है कह सकते हो एक तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों पर हरे रंग का जो है नंबर प्लेट लगाने का आदेश दिया है केंद्र सरकार ने, ठीक है। हरा रंग का मतलब ये भी होगा कि ये वाहन जो है प्रदूषण नहीं फैलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपसे पूछा था कि निम्न में से किसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला था, यानी कि तिजानी बंदे को अभी रिसेंटली संयुक्त राष्ट्र महासभा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नाइजीरिया के दूसरे व्यक्ति थे ये जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। अभी इन्होंने शपथ नहीं ली है, सितंबर 2019 में जो है ये अपना पदभार ग्रहण करेंगे। देन बात करेंगे आपके लिए आज के प्रश्नों की। इन प्रश्नों के उत्तर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपके लिए पहला प्रश्न है कि हॉर्नबिल उत्सव निम्न में से किस प्रदेश में मनाया जाता है। हॉर्नबिल उत्सव किस प्रदेश में मनाया जाता है मुख्यतः, ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। देन क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए है कि चरक किसके समकालीन थे, ठीक है, चरक किसके समकालीन थे ये आपको बताना है। देन क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि अगस्त 2019 में 8वीं एशियाई युवा महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा। तो इसका आंसर भी आपको कमेंट करके बताना है, और साथ ही साथ मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप लोग कमेंट करके कर लीजिएगा, मैं आपको आंसर बता दूंगा, ठीक है, अगर कहीं पर भी कोई चीज़ समझ में ना आई हो। थैंक यू सो मच।